तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में गाइस। और अगर आप लोग नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और अभी मैं हूँ नैनीताल की वादियों में गाइस। तो अभी मैं आ गया हूँ नैना देवी टेम्पल, और मैं चाहता था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ पूरा जो है एक्सप्लोर करना है। फिर उसके बाद जो है बोर्ड वगैरह राइड करेंगे चल के, हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कितना क्या प्राइस है, और फिर मार्केट भी आपको दिखाएंगे जो मॉल मार्केट है मॉल। और अभी हम चलते हैं थोड़ा दर्शन करते हैं और आपको भी थोड़ा दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लोर करेंगे गाइस। तो अभी हम लोग जो है एंटर कर चुके हैं नैना देवी देवी मंदिर के अंदर। तो फर्स्ट में पड़ जाता है बजरंगबली श्री हनुमान मंदिर। यहाँ से आप जो है स्टार्ट करें दर्शन के लिए, और बाकी जो है स्लीपर शूज़ आपने जो है साइट में यहाँ पर रख दें। हालांकि मैंने वहाँ पर जो है स्लीपर शूज़ अपने ऑलरेडी लगा दिए थे, तो ये कुछ रैक बना रखी हैं स्लीपर या शूज़ के। और बाकी आप जो है यहाँ से स्टार्ट करें दर्शन के लिए। सबने फाइनल जो है दर्शन कर लिए हैं माँ नैना देवी के। तो अभी जो है आपको प्रमुख जो मंदिर है वो दिखाते हैं, और बाकी आपको यहाँ जो है प्लेस दिखाते हैं। और जो माँ नैना देवी का जो मंदिर है गाइस, तो जो शिव जी यहाँ से लेके जा रहे थे तब जो पूरे मंडल में घूम रहे थे, तो उनकी जो है बाई आँख यहाँ पर गिरी थी, और एक दाई आँख है कहीं हिमाचल हिमाचल साइड में कहीं गिरी थी। तो ऐसा पुजारी जी बता रहे, और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री भी लिखी है आपको मैं दिखा दूंगा, आप लोग अगर इंटरेस्ट हैं तो पढ़ लेना। फिर मुख्य मंदिर है श्री माँ नैना देवी का, वो ये वाला है, और मैंने दर्शन कर लिए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और बजरंगबली का मंदिर है, तो यहाँ पर काफ़ी जो है मंदिर है दिखा देता हूँ। ये श्री माँ नैना देवी मंदिर है, स्टार्टिंग फर्स्ट में जो उनकी जो स्थापना हुई थी उनकी नैन से हुई थी, दाई नैन से। और बाकी उधर जो है पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, मैं आपको जो है अच्छे से विस्तार से, बट बहुत लंबा चौड़ा है तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, आप लोग जो है एक बार नज़र डाल लेना गाइस रोक के। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, और जो है नैना देवी का टेंपल जो मंदिर है यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है अपनी जो उनकी यात्रा है जो भी है घूमना है जो राइड वगैरह करनी है उसके बाद जो है अपनी एक्टिविटी करते हैं गाइस। और एक्टिविटी करने के लिए देखो ये है बोर्ड वगैरह कुछ गाइस साइड में, मल्लीताल और तल्लीताल उस साइड में पड़ जाता है, वो जो फर्स्ट में है वहाँ से तल्लीताल है और इस तरफ है मल्लीताल। अभी जो है गाइस हम लोग चलेंगे जो है बोट राइड करेंगे जाके इस मंदिर के पास। अगर आप प्रसाद लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्रसाद है और मिठाई वगैरह कुछ, और चुंदर है, चुंदर आपकी श्रद्धा है चढ़ाना चाह रहे हो तो चढ़ा सकते हो। बाकी ये लाइन से आपको जो है मार्केट दिख जाएगी, इसको शायद भूंडिया कुछ मार्केट बोलते हैं गाइस, तो कन्फर्म नहीं है, मुझे याद है जहाँ तक तो भूंडिया ही मार्केट बोलते हैं गाइस। यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, हालांकि मैं भी जैकेट लेके घूम रहा था, अभी जो है कमर में बांध ली क्योंकि मौसम यहाँ का कब चेंज होता है पता नहीं गाइस। तो अभी हम लोग चलेंगे बोट राइड की तरफ उधर, क्योंकि अभी जो है 6 बजे बोट राइड बंद हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ बोट राइड को भी निपटा लूँ। और वाह गाइस झूमर झुमका बरेली वाला आ रहे हो, तो गाइस पार्किंग आपको कहीं नहीं मिली, तो ये पार्किंग एरिया है। तो नैना देवी टेम्पल के पास में आपको जो है बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड दिख जाएगा, और यहाँ पर जो कितना प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, तो काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है गाइस। ये मॉल रोड पे नहीं है गाइस, मॉल रोड से थोड़ा नीचे है, नैनीताल का कुछ नहीं है। तो गाइस मैंने ये दो ले लिए हैं, और चाबी के कुछ है शॉप का काम में आ जाएगी, और एक ले रहे हैं तो 30 रुपये का, दो ले रहे हैं तो 50 रुपये, तो ये बिजनेस माइंड है। नहीं भैया थैंक यू, घर के लिए डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो बताना कैसा लग रहा है गाइस, काफ़ी मतलब क्यूट से लग रहे हैं, मतलब यूनिक। यहाँ की कुछ ऐसी मार्केट थी, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर अब जो है ख़रीदारी कर सकते हो। आंटी जी क्या हिसाब दिया अखरोट? 500 रुपये किलो। तो गाइस यहाँ पे जो है अखरोट 500 kg। जो माल रोड है इस रोड की खासियत बात है, यहाँ पर आप जो है 2 घंटे आप वॉकिंग करोगे तब भी नहीं थकोगे, ये चीज़ मैंने नोट की है आज, क्योंकि हालांकि मैं 2 राउंड मार चुका हूँ, मल्लीताल तक मैंने 2 राउंड मार दिए हैं लेकिन अभी तक जो है मैं थका नहीं हूँ। आपने सुना होगा कि जो है उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, खूबसूरत प्लेस है गाइस, आप कभी आ रहे हो आप बोर नहीं होगे मुझे इतना पता है। कितने का रेंट है बाइक का? इस भैया बता रहे हैं यहाँ पर जो है 600 से स्टार्टिंग है बाइक की जो रेंट पे ले रहे हैं यहाँ पे, और जो है लास्ट कितना है? लास्ट इसमें 1400 और 1400 लास्ट कस्टमर्स होते हैं, तो कुछ ऊपर नीचे कोऑर्डिनेट। और अगर आप बार्गेनिंग करो तो थोड़ा मोड़ा आगे नीचे, बिल्कुल जो हमारे चांदनी चौक के पास है बाइक रेंट। तो गाइस आप थैंक यू भैया। तो गाइस जो 600 है उन्होंने स्टार्टिंग जो बताई है वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मुझे लग रहा है। ऑप्शन में गाइस समथिंग 300 की आप एक्टिवा ले सकते हो गोवा के अंदर, और यहाँ पर जो है मतलब ऑफ सीजन, यहाँ पे भी ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में भी 600 की गाइस, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे। काफ़ी धूप आ गई है और हम आ चुके हैं तल्लीताल। तो
जो उधर साइड में था मल्लीताल, अभी हम आ चुके हैं बोट राइड के लिए तल्लीताल। मल्लीताल में भी हो जाती है बोट राइड, बट यहाँ का थोड़ा मुझे आपको बताना था, इसीलिए जो है हम तल्लीताल में आए हैं। तो तल्लीताल और मल्लीताल का कुछ डिस्टेंस समथिंग कुछ होगा तो 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप वॉकिंग करके भी जा सकते हो। और ये मेन व्यू पॉइंट है और कुछ यहाँ पर जो है बोट राइड है, और ये माल रोड है गाइस जो सीधा आप चला गया है मल्लीताल के लिए। और जो है रूम वगैरह मिल जाएंगे समथिंग 500 से स्टार्टिंग है, अभी ऑफ सीजन में है 500, बाकी सीजन में कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे जो ऑफ सीजन में प्राइस मिला है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई साहब ने दी है मुझे एक लाइफ जैकेट, बोले इसको पहन लो। गाइस आपने सुना ही होगा तालो में नैनीताल बाकी सब तलैया, एक यही ताल है जो जिसे ताल बोलते हैं नैनीताल और बाकी सब तलैया है। 210 रुपये में आपको ये बोट राइड वगैरह मिल जाएगी और भाई लोग साथ में इधर कुछ बोट राइड करते हैं। हेलो, गुड गुड, एवरीथिंग फाइन। अभी हम आ चुके हैं नैनीताल की वादियों में गाइस, तो कभी आ रहे हो ना गाइस तो नैनीताल बोट करना ना भूलें गाइस, क्योंकि यहाँ का जो सुकून रिलैक्स है ना कहीं नहीं है गाइस। और इस साइड में आप देख रहे हो ये है वादियाँ कुछ गाइस, पैर थोड़े नीचे को डाउन है ऐसे। हाँ ये अब खींचो, थोड़ा कॉर्नर पकड़ो उनके, मजा आ रहा ना, मजा एक नंबर दादू, अच्छी चल रही ना दादू, बहुत अच्छी। अरे कामों मिल जाएगा फिर तो आम आम क्यों नहीं मिलेगा, अजय से बोर्ड चला रहे हो भाई साहब आप, मज़ा आ गया, आपने तो हमें भी पीछे कर दिया यार। हम 30 साल से चला रहे हैं, हम नहीं चला पा रहे हैं इतनी अच्छी जितनी अच्छी आप चला रहे हो। कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है बोर्ड चलाने का? नहीं, हमें भी आपके साथ में बहुत अच्छा लगा, आप खुश मिजाज आदमी हैं, बहुत अच्छा चला रहे हो आप, मज़ा आ गया सच में। कोई नहीं कहेगा कि आप बोट वाले नहीं हो, अभी कोई देखेगा तो मुझे कस्टमर समझेगा आपको बोट वाला, क्योंकि आपकी चलाने की अच्छी वो हो रही है ना प्रैक्टिस। आज मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस लिया है और आज मैंने बोट चलाई थी, और आप लोग भी आ रहे हैं अगर बोट चलाना चाह रहे हैं तो आप लोग भी आएगा इस। हेलो, तो इधर तो गाइस अभी आप लोग ही बोट चलाना चाह रहे हैं तो एक बार नैनीताल ज़रूर जाएं गाइस, और नैनीताल आए तो बोट चलाना ना भूलें बिल्कुल। गाइस फाइनली हमारी जो है बोट राइड कंप्लीट हो चुकी है और हम लाइफ जैकेट भी निकाल दें, आजू हैं जिन्होंने मुझे बोट चलाने के लिए दी थी। तो आप लोग आ रहे हो गाइस, तो यहाँ पर जो काउंटर है यहाँ पर ये दाजू है, नाम क्या दाजू? जगदीश। तो जगदीश भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगर आप लोग नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस।